और अगली बड़ी खबर रांची से है। हेमंत कैबिनेट की आज अहम बैठक है। प्रोजेक्ट भवन में शाम 4 बजे अहम बैठक होगी। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अहम बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मोहर लग सकती है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हेमंत कैबिनेट की आज अहम बैठक है और शाम 4 बजे प्रोजेक्ट भवन में यह बैठक होगी। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है और महत्वपूर्ण एजेंडों पर भी मुहर लग सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज जुड़े हुए हैं। सूरज, हेमंत कैबिनेट की आज अहम बैठक है, क्या कुछ जानकारी और अपडेट, और साथ ही ये भी बताएं कि कई ऐसे महत्वपूर्ण एजेंडों पर भी मुहर लग सकती है। देखिए, बिल्कुल, हेमंत सोरेन की कैबिनेट की बैठक आज शाम 4 बजे रांची के प्रोजेक्ट में आहूत की गई है और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में तमाम कैबिनेट मंत्री होंगे, सेक्रेटरी होंगे, अधिकारी होंगे। जाहिर सी बात है, आपने देखा कि इससे पहले भी राज्य सरकार राज्य के लिए बैक टू बैक कई से बड़े फैसले लिए हैं और जाहिर सी बात है, अगर आज कैबिनेट की बैठक जिस तरह से शाम 4 बजे आहूत की गई है, उस कैबिनेट की बैठक में राज्य के हित को लेकर, राज्य के विकास को लेकर चर्चाएं होंगी और चर्चाएं के बाद राज्य सरकार उसे धरातल पर उतारने के लिए अपनी मुहर लगाएगी। तो कई ऐसे एजेंडे हैं, उन तमाम एजेंडों पर रायशुमारी करके राज्य सरकार उस पर मुहर लगाएगी। कहा यह जा रहा कि आने वाले जिस तरह से चुनाव है, चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो लाभ है, जो इसकी योजनाओं का जो लाभ होते हैं, उन योजनाओं का लाभ राज्य की जनता तक कैसे पहुंचे, विकास को लेकर राज्य सरकार क्या क्या कुछ करे, रोजगार को लेकर क्या कुछ करे, तो तमाम विषयों पर रायशुमारी होगी। रायशुमारी के बाद राज्य सरकार आज संभवतः कोई बड़ा फैसला आज की कैबिनेट में ले सकते हैं। हाँ, लेकिन जिस तरह से सूरज देखा जा रहा है कि झारखंड में बीजेपी भी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है और ऐसे में एक तरफ बीजेपी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है तो दूसरी तरफ आज हेमंत कैबिनेट की अहम बैठक है। क्या लगता है कि इस बैठक में कई रणनीति भी बनाती हुई नजर आएगी हेमंत सरकार की ओर से? देखिए, इससे पहले भी 2 दर्जन से भी ज्यादा कैबिनेट के फैसले में फैसले लिए गए थे और उसमें कई जो फैसले ऐसे थे, चाहे वो हम शिक्षकों की बात कर ले या फिर एडवोकेटों की बात कर ले या फिर हम सहायक पुलिसकर्मियों की बात कर ले, तो ऐसे कई बैक टू बैक राज्य सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। और आपने देखा कि पिछले कैबिनेट में मैया समान योजना के तहत 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को राज्य सरकार की तरफ से 1,000 रुपये मानदेय दी जा रही थी, यानी राशियाँ दी जा रही थी, अब उसे बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो राज्य सरकार बैक टू बैक ऐसे कई बड़े फैसले लिए हैं। कयास आज भी लगाई जा रही है कि आज भी राज्य सरकार अपने कैबिनेट की बैठक में राज्य के हित को लेकर, राज्य के विकास को लेकर, युवाओं के रोजगार को लेकर आज भी कोई बड़े फैसले ले सकते हैं। हाँ, ठीक है सूरज, बनी रहिए, आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली बड़ी खबर रांची से है। हेमंत कैबिनेट की आज अहम बैठक है। प्रोजेक्ट भवन में शाम 4 बजे अहम बैठक होगी। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अहम बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मोहर लग सकती है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हेमंत कैबिनेट की आज अहम बैठक है और शाम 4 बजे प्रोजेक्ट भवन में यह बैठक होगी। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है और महत्वपूर्ण एजेंडों पर भी मुहर लग सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज जुड़े हुए हैं। सूरज, हेमंत कैबिनेट की आज अहम बैठक है, क्या कुछ जानकारी और अपडेट, और साथ ही ये भी बताएं कि कई ऐसे महत्वपूर्ण एजेंडों पर भी मुहर लग सकती है? देखिए, बिल्कुल, हेमंत सोरेन की कैबिनेट की बैठक आज शाम 4 बजे रांची के प्रोजेक्ट में आहूत की गई है और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में तमाम कैबिनेट मंत्री होंगे, सेक्रेटरी होंगे, अधिकारी होंगे। जाहिर सी बात है, आपने देखा कि इससे पहले भी राज्य सरकार राज्य के लिए बैक टू बैक कई से बड़े फैसले लिए हैं और जाहिर सी बात है, अगर आज कैबिनेट की बैठक जिस तरह से शाम 4 बजे आहूत की गई है, उस कैबिनेट की बैठक में राज्य के हित को लेकर, राज्य के विकास को लेकर चर्चाएं होगी और चर्चाएं के बाद राज्य सरकार उसे धरातल पर उतारने के लिए अपनी मुहर लगाएगी। तो कई ऐसे एजेंडे हैं, उन तमाम एजेंडों पर रायशुमारी करके राज्य सरकार उस पर मुहर लगाएगी। कहा यह जा रहा कि आने वाले जिस तरह से चुनाव है, चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो लाभ है, जो इसकी योजनाओं का जो लाभ होते हैं, उन योजनाओं का लाभ राज्य की जनता तक कैसे पहुंचे, विकास को लेकर राज्य सरकार क्या क्या कुछ करे, रोजगार को लेकर क्या कुछ करे, तो तमाम विषयों पर रायशुमारी होगी। रायशुमारी के बाद राज्य सरकार आज संभवतः कोई बड़ा फैसला आज की कैबिनेट में ले सकते हैं।
हाँ, लेकिन जिस तरह से सूरज देखा जा रहा है कि झारखंड में बीजेपी भी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है, और ऐसे में एक तरफ बीजेपी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है तो दूसरी तरफ आज हेमंत कैबिनेट की अहम बैठक है। क्या लगता है कि इस बैठक में कई रणनीति भी बनाती हुई नजर आएगी हेमंत सरकार की ओर से? देखिए, इससे पहले भी दो दर्जन से भी ज्यादा कैबिनेट के फैसले में फैसले लिए गए थे, और उसमें कई जो फैसले ऐसे थे, चाहे वो हम शिक्षकों की बात कर लें या फिर एडवोकेटों की बात कर लें या फिर हम सहायक पुलिसकर्मियों की बात कर लें, तो ऐसे कई बैक टू बैक राज्य सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। और आपने देखा कि पिछले कैबिनेट में मैया समान योजना के तहत 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को राज्य सरकार की तरफ से 1,000 रुपये मानदेय दी जा रही थी, यानी राशियाँ दी जा रही थी, अब उसे बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो राज्य सरकार बैक टू बैक ऐसे कई बड़े फैसले लिए हैं। कयास आज भी लगाई जा रही है कि आज भी राज्य सरकार अपने कैबिनेट की बैठक में राज्य के हित को लेकर, राज्य के विकास को लेकर, युवाओं के रोजगार को लेकर आज भी कोई बड़े फैसले ले सकते हैं। हाँ, ठीक है सूरज, बनी रहिए, आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली बड़ी खबर रांची से है, हेमंत कैबिनेट की आज अहम बैठक है। प्रोजेक्ट भवन में शाम 4 बजे अहम बैठक होगी। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अहम बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मोहर लग सकती है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हेमंत कैबिनेट की आज अहम बैठक है और शाम 4 बजे प्रोजेक्ट भवन में यह बैठक होगी। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है और महत्वपूर्ण एजेंडों पर भी मुहर लग सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज जुड़े हुए हैं। सूरज, हेमंत कैबिनेट की आज अहम बैठक है, क्या कुछ जानकारी और अपडेट, और साथ ही यह भी बताएं कि कई ऐसे महत्वपूर्ण एजेंडों पर भी मुहर लग सकती है? देखिए, बिल्कुल, हेमंत सोरेन की कैबिनेट की बैठक आज शाम 4 बजे रांची के प्रोजेक्ट में आहूत की गई है, और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में तमाम कैबिनेट मंत्री होंगे, सेक्रेटरी होंगे, अधिकारी होंगे। जाहिर सी बात है, आपने देखा कि इससे पहले भी राज्य सरकार राज्य के लिए बैक टू बैक कई से बड़े फैसले लिए हैं, और जाहिर सी बात, अगर आज कैबिनेट की बैठक जिस तरह से शाम 4 बजे आहूत की गई है, उस कैबिनेट की बैठक में राज्य के हित को लेकर, राज्य के विकास को लेकर चर्चाएँ होंगी, और चर्चाएँ के बाद राज्य सरकार से धरातल पर उतारने के लिए अपनी मुहर लगाएगी। तो कई ऐसे एजेंडे हैं, उन तमाम एजेंडों पर रायशुमारी करके राज्य सरकार उस पर मुहर लगाएगी। कहा यह जा रहा कि आने वाले जिस तरह से चुनाव है, चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो लाभ है, जो इसकी योजनाओं का जो लाभ होते हैं, उन योजनाओं का लाभ राज्य की जनता तक कैसे पहुंचे, विकास को लेकर राज्य सरकार क्या क्या कुछ करे, रोजगार को लेकर क्या कुछ करे, तो तमाम विषयों पर रायशुमारी होगी। रायशुमारी के बाद राज्य सरकार आज संभवतः कोई बड़ा फैसला आज की कैबिनेट में ले सकते हैं। हाँ, लेकिन जिस तरह से सूरज देखा जा रहा है कि झारखंड में बीजेपी भी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है, और ऐसे में एक तरफ बीजेपी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है तो दूसरी तरफ आज हेमंत कैबिनेट की अहम बैठक है, क्या लगता है कि इस बैठक में कई रणनीति भी बनाती हुई नजर आएगी हेमंत सरकार की ओर से? देखिए, इससे पहले भी दो दर्जन से भी ज्यादा कैबिनेट के फैसले में फैसले लिए गए थे, और उसमें कई जो फैसले ऐसे थे, चाहे वो हम शिक्षकों की बात कर लें या फिर एडवोकेटों की बात कर लें या फिर हम सहायक पुलिसकर्मियों की बात कर लें, तो ऐसे कई बैक टू बैक राज्य सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। और आपने देखा कि पिछले कैबिनेट में मैया समान योजना के तहत 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को राज्य सरकार की तरफ से 1,000 रुपये मानदेय दी जा रही थी, यानी राशियाँ दी जा रही थी, अब उसे बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो राज्य सरकार बैक टू बैक ऐसे कई बड़े फैसले लिए हैं। कयास आज भी लगाई जा रही है कि आज भी राज्य सरकार अपने कैबिनेट की बैठक में राज्य के हित को लेकर, राज्य के विकास को लेकर, युवाओं के रोजगार को लेकर आज भी कोई बड़े फैसले ले सकते हैं। हाँ, ठीक है सूरज, बनी रहिए, आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे।